मुंबई में एक नए तरह से धन उगाही का मामला दर्ज किया गया है। मुंबई के माटुंगा में एक 80 साल के रियल एस्टेट ब्रोकर को एक महिला ने डॉक्टर होने की पहचान बताकर फोन किया और अपनी क्लिनिक की जगह को बेचने की बात कही। हालांकि जब ब्रोकर ने उस जगह को देखने की बात कही तो महिला ने वीडियो कॉल किया और उसे 7,25,000 रुपए की उगाही कर ली। शिवसेना के नेता संजय राउत ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में सूचित करने के लिए आगे आना चाहिए। राज्यसभा सांसद राउत ने सोमवार सुबह सुबह ट्वीट करते हुए पीएम मोदी की डिग्री को फ्रेम करके नए संसद भवन के मुख्य दरवाजे पर लटकाने की सलाह भी दी है। कोरोना वायरस के मामले लगातार तेजी पकड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 429 और महाराष्ट्र में 562 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं मरने वालों में एक दिल्ली में तो 3 महाराष्ट्र के हैं। रविवार को स्वास्थ्य विभाग से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कुल 2,667 टेस्ट किए गए, जिसमें 429 नए मामले संक्रमित पाए गए। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और रूस दोनों से दूरी रखने वाला फिनलैंड अब अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन नाटो का सदस्य बनेगा। इससे नाटो सदस्यों की संख्या 31 तक पहुंच जाएगी। उम्मीद है कि फिनलैंड का पड़ोसी देश स्वीडन भी जल्दी इसमें शामिल होगा। गौहर खान के बाद पाकिस्तानी एक्ट्रेस आयशा उमर ने जस्टिन बीबर और उसकी वाइफ हैली पर निशाना साधा। आयशा ने सोशल मीडिया के जरिए लिखा है कि फास्ट रखने के कुछ साइंटिफिक फायदे हैं। आयशा ने कहा कि हमें उन्हें इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए क्योंकि फास्ट को लेकर उनका नॉलेज बहुत कम है।